तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ईडी की हिरासत में लिया गया है। ईडी के अधिकारी जब उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तो वो फूट फूट कर रोने लगे। चेन्नई में सेंथिल के आवास पर देर रात तक चली तलाशी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचते ही सेंथिल जोर जोर से रोने लगे। सेंथिल ईडी की गाड़ी से उतरने को भी तैयार नहीं थे। उन्हें गाड़ी से जबरदस्ती उतारकर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल के अंदर ले जाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेंथिल बालाजी ईडी की जांच के दायरे में है। हालांकि उनकी पार्टी डीएमके का कहना है कि सेंथिल को परेशान किया जा रहा है।